हेलो प्लस टू क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हो एंड फ्लो एंड दैट दिस टॉपिक इज़ ऑन सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 266. दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम पेज नंबर 266 टू 268. तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक डिस्कस करेंगे हो और फ्लो. ह जो होता है गार्डनिंग टूल होता है, जिसे हम कुदाल के नाम से या हम कहेंगे कस्सी जैसा ये दिखता है, जिसे गार्डन की मिट्टी को वो कुरेदने के काम लगाया जाता है. और प्लो मीन्स हल, जो खेतों में चलाया जाता है. तो हम ये देखेंगे कि कौन से लोग जो थे वो हो एग्रीकल्चर किया करते थे और कौन से लोग थे जो प्लो एग्रीकल्चर किया करते थे. हम इस टॉपिक में ये भी पढ़ेंगे कि हम देखेंगे कि वेटलैंड से जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसे ड्राई एरिया की तरफ चला जाता है. यानी हम इसमें वेटलैंड्स और ड्राई एरिया दोनों के बारे में पढ़ेंगे. साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि कैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे थे. क्या कर रहे थे? फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे थे और अपना जो एक्सपेंशन था, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जो था वो कर रहे थे. फॉरेस्ट क्लीन कर रहे थे, पास्टर्स लैंड क्लीन कर रहे थे और वहाँ के जो लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा ये लोग डिस्टर्ब कर रहे थे. तो ये सारी बातें जो हैं हम अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 2.1 टॉपिक दैट इज़ इन द हिल्स ऑफ राजमहल. नाइनटीन सेंचुरी का जो स्टार्टिंग टाइम था, यानी अर्ली नाइनटीन सेंचुरी में एक पर्सन हुआ करते थे जिनका नाम था बच्चानन. क्या नाम था? बच्चानन. ये एक ट्रैवलर थे और इन्होंने ट्रैवलिंग बुक लिखी थी, अपनी जर्नल लिखी थी. तो जो बच्चानन थे वो राजमहल हिल्स में विज़िट करते हैं. कहाँ विज़िट करते हैं? राजमहल हिल्स में. तो राजमहल हिल्स में जब वो विज़िट करते हैं तो उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन के थ्रू वहाँ की हिल्स को डिफ़ाइन किया, वहाँ के लोगों को डिफ़ाइन किया. तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ के जो पीपल हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हुआ करते थे, ठीक है. और साथ ही साथ ये लोग जो थे वो अप्रहेंसिव हुआ करते थे ट्रैवलर्स को देखकर या ऑफिशियल्स को देखकर. अप्रहेंसिव मतलब चिढ़ जाना या गुस्सा हो जाना. और साथ ही साथ ये अनविलिंग हुआ करते थे उनसे बात करने के लिए. सिर्फ ये नहीं, राजमहल हिल्स के लोगों के बारे में नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि जो राजमहल हिल्स थी वो क्या थी? इम्पेनिट्रेबल थी. क्या थी? इम्पेनिट्रेबल थी, यानी जिसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था. यानी उन हिल्स के बारे में कुछ भी समझा नहीं जा सकता था. ऐसी जो बातें हैं वो बच्चानन ने अपनी जर्नल में या अपनी बुक में या अपनी डायरी में डिस्क्राइब की थी राजमहल हिल्स के बारे में. क्या? कि जो राजमहल हिल्स थी वो इम्पेनिट्रेबल थी, साथ ही साथ जो वहाँ के लोग थे वो हॉस्टाइल थे, अप्रहेंसिव ऑफ ऑफिशियल्स थे और अनविलिंग टू टॉक थे. और साथ ही साथ हम इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी पाएंगे. वो आंसर्स ये होंगे, सबसे पहले हम ये पाएंगे कि जो हिल्स फोक थे वो कौन थे, उन्हें क्या कहा जाता था. एक क्वेश्चन हमने ये फाइंड आउट करना है इस टॉपिक में. सेकंड इज कि जब बच्चानन राजमहल हिल्स में विज़िट करते हैं तो वहाँ के जो लोग थे वो गुस्सा क्यों हो जाते हैं, चिढ़ क्यों जाते हैं, अप्रहेंसिव क्यों हो जाते हैं, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें इस टॉपिक में मिलेगा. वाई वर दे अप्रहेंसिव टू सी बच्चानन को देख के वो गुस्सा या चिढ़ने क्यों लग जाते हैं. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स हम जो हैं अब इस टॉपिक में पाएंगे. और साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि जो बच्चानन ने डायरी लिखी थी, जो जर्नल लिखा था, वो एक टेंटलाइजिंग ग्लिम्स देता है राजमहल हिल्स के बारे में. क्या कौन सी ग्लिम्स देता है, कौन सी झलक देता है?
टेंटलाइजिंग, टेंटलाइजिंग मतलब जिससे आपको इतना कुछ क्लियर नहीं होता या आपके जो मन में डाउट हैं उनके आंसर्स जो हैं वो नहीं मिलते। तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी वो टेंटलाइजिंग थी। उन्होंने सिर्फ अपने जर्नल में वही सारी बातें बताई या उन्हीं प्लेसेस के बारे में बातें बताई जहां उन्होंने विजिट किया था। सिर्फ उन्हीं प्लेसेस का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया जहां उन्होंने खुद विजिट किया था और जो जो उन्होंने चीज़ें देखी थी। लेकिन इससे हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज़ हो जाते हैं और उनके जो आंसर्स हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं। तो लेट 18th सेंचुरी में रेवेन्यू रिकॉर्ड से हमें ये पता चला था, लेट 18th सेंचुरी में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाया जाता था उससे हमें एक बात पता चली कि जो ये हिल फॉक्स थे उन्हें क्या कहा जाता था, पहाड़ीज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पहाड़ीज। यानी इस टॉपिक में हम एक पहाड़ीज लोगों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम सेकंड टॉपिक में ये भी पढ़ेंगे कि संथाल्स कौन थे और उन्होंने उनकी जो अपीयरेंस थी वो हमारे सामने कैसे आई थी। तो ये जो पहाड़ीज थे वो हिल फॉक्स थे और ये जो अपना सर्वाइवल था उसके लिए किस पे डिपेंड करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। और ये जो एग्रीकल्चर करते थे दैट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मीन्स सपोज ये एक लैंड का टुकड़ा है तो इन्होंने इस टुकड़े पे क्या कर दी, एग्रीकल्चर कर दी बाय द यूज़ ऑफ हो। और फिर जब इस यहाँ से प्रोड्यूस ले लिया गया और जो अनवांटेड प्रोड्यूस होता है या स्मॉल प्रोड्यूस होता है उसको आग लगा देते हैं और कुछ टाइम पीरियड के लिए इस लैंड को वो वेस्ट रख देते हैं यानी खाली छोड़ देते हैं और इस एरिया को वो नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं। क्यों वेस्ट करते हैं और इसे आग लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि जो आग से एशीज होते हैं वो जो लैंड की पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देता है। तो इस तरह से जो थे वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किया करते थे और उस पर जो थी उनकी डिपेंडेंसी हुआ करती थी। और ये अपनी लैंड को कैसे स्क्रैच किया करते थे यानी कैसे कुरेदा करते थे, हो की हेल्प से। तो हम ये मानेंगे कि जो पहाड़ी लोग थे वो हो एग्रीकल्चर करते थे या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को किया करते थे। उनका जो मेथड था दैट इज़ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और उनका जो इक्विपमेंट था दैट इज़ हो। और वो अपने एग्रीकल्चर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किया करते थे, दैट इज़ पल्सिस एंड मिलेट्स। पल्सिस मीन दालें एंड मिलेट्स मीन्स बाजरा, मिलेट्स मीन्स बाजरा। तो दो तरह की खेती जो थी ये लोग किया करते थे हो की हेल्प से, क्योंकि इनका इक्विपमेंट जो होता था वो हो होता था। हो जो है वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से लैंड को कुरेदा करता था। और जो फॉरेस्ट से ये लोग चीज़ें प्रोड्यूस किया करते थे या ऑब्टेन किया करते थे दैट इज़ महुआ। महुआ एक तरह का फ्लावर होता है एंड सिल्क कोकून्स, रेजिन, जिनको ये मतलब इन तीनों चीज़ों को ये सेल किया करते थे और मनी ऑब्टेन किया करते थे। रेजिन मीन्स किशमिश, जो हम एक ड्राई फ्रूट की तरह यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ वुड को वो चारकोल की फॉर्म में यूज़ किया करते हैं, कोयले की फॉर्म में यूज़ किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो फॉरेस्ट से गेन किया करते थे। और जो अंडरग्रोथ प्लांट्स हुआ करते थे, अंडरग्रोथ प्लांट्स हुआ करते थे उनको वो हम क्या करते थे, एज पेस्चर लैंड की तरह यूज़ किया करते थे यानी अपने एनिमल को वो फीड करवाया करते थे। ठीक है जी। तो उनकी जो लाइफ थी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत फ्रीली चल रही थी, बहुत हैप्पीली चल रही थी। साथ साथ उनके जो शौक हुआ करते थे दैट इज हंटिंग, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स यानी वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे, फूड गैदरर्स फूड इकट्ठा करा करते थे, चारकोल प्रोड्यूस किया करते थे,
वर्म रेयरर थे, तो ये इनके काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ करते थे, और इनकी ये झोपड़ियों में रहा करते थे। और टैमरिंड ग्रोव्स या मैंगो ट्रीज की छाओं में या ये रहा करते थे। टैमरिंड मतलब इमली। तो उनकी जो लाइफ थी वो बहुत मज़े से चल रही थी, साथ ही साथ ये अपने सर्वाइवल के लिए क्या किया करते थे, रेड्स भी किया करते थे। क्यों? क्योंकि जब स्कार्सिटी का, यानी इनके पास जो मटेरियल होता था उसमें कमी आ जाती थी, स्कार्सिटी का टाइम पीरियड होता था, तो ये उन लोगों की रेड्स किया करते थे, ऐसे जगह पर रेड्स किया करते थे जो जिनकी सेटल्ड एग्रीकल्चर हुआ करती थी, बहुत डेवलप्ड एग्रीकल्चर हुआ करती थी, उन लोगों की ये क्या किया करते थे, रेड्स किया करते थे, वहाँ लूटपाट किया करते थे, और अपने सर्वाइवल के जो आइटम इन्हें चाहिए होती थी वो ये लोग लेकर आते थे। तो इनका जो एरिया था, पूरी लैंड को ये अपना एरिया कहते थे, और आउटसाइडर्स को ये वहाँ नहीं घुसने देते थे, यानी आउटसाइडर्स नॉट अलाउड हुआ करते थे, और इस पर्टिकुलर यानी पहाड़ीज के अपने चीफ हुआ करते थे, चीफ जो उनको रेगुलेट नहीं करते थे, यानी ये जो चीफ है वो उनको रेगुलेट नहीं करता था, बल्कि उनके बीच में सिर्फ यूनिटी को मेंटेन किया करता था। क्या किया करता था? यूनिटी को मेंटेन किया करता था, रेगुलेशन वो नहीं किया करता था, यानी किसी पे अपना रोब नहीं झाड़ा करता था, बल्कि यूनिटी को बना के रखता था। तो जो ज़मींदार हुआ करते थे उनकी भी काफ़ी अच्छी इमेज हुआ करती थी पहाड़ीज के लिए, तो ज़मींदारी जो थी, यानी ज़मींदार जो थे वो हिल चीफ्स को कुछ ना कुछ पेमेंट दिया करते थे जो उनके लिए हेल्पफुल हो, एज अ ट्रिब्यूट, एज अ रिस्पेक्ट शो करने के लिए वो उन्हें कुछ ना कुछ रेगुलर पेमेंट किया करते थे। और जो वहाँ के ट्रेडर्स हुआ करते थे, जैसे हमने पहले भी बात करी कि वो आउटसाइडर्स को अंदर नहीं आने देते थे या वहाँ से क्रॉस नहीं करने देते थे, तो ट्रेडर्स जिन्होंने ये हिल एरिया क्रॉस करना होता था, तो उन्हें एक तरह का क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, यानी टोल देना पड़ता था। टैक्स पे करने के बाद वो इजीली पहाड़ीज एरिया को, यानी इस हिल को क्रॉस कर सकते थे, और जो चीफ होता था वो ये एश्योरिटी देता था कि इस ट्रेडर्स को कभी भी, यानी ड्यूरिंग हिज ट्रेवलिंग, इसे लूटा ना जा सके। तो इसकी जो एश्योरिटी थी वो पहाड़ी चीफ दिया करते थे। तो 18th सेंचुरी की जो लास्ट डिकेड थी उसमें क्या हो गई थी, पहाड़ीज की लाइफ में डिस्टरबेंस आ गई थी। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी इस एरिया को क्या बनाना चाहती थी, सेटल एग्रीकल्चर लैंड बनाना चाहती थी, ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो इजीली फुलफिल हो सके। तो उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? फॉरेस्ट को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। एंड साथ ही साथ क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि ये फॉरेस्ट क्लियरेंस करके वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड बनवाना चाहते थे, एग्रीकल्चर आउटपुट को इंक्रीज करना चाहते थे। सो दैट जो इनकी एक्सपोर्ट की डिमांड थी वो फुलफिल हो सके, तो इस वजह से जो थे वो फॉरेस्ट को क्लियर करा रहे थे। साथ ही साथ जो वाइल्ड एनिमल्स थे उन्हें वो मरवा रहे थे, और वहाँ के जो लोग थे यानी हिल फॉक्स को वो क्या मेंशन किया करते थे, एज अ सेवेज, यानी जंगली मेंशन किया करते थे। जैसे हमने पहले भी पढ़ा, सेवेज मीन्स महान दैत्य, और उन्हें अनरूली कहा करते थे, जिन्हें रूल करने की कोई तरीका नहीं होता। प्रिमिटिव कहा करते थे, जो सिविलाइज नहीं होते, और जो जिन्हें गवर्न करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। तो हिल पीपल को वो लोग इस तरह से जो थे डिफाइन किया करते थे, और उन्हें लगा कि फॉरेस्ट को क्लियर करके कल्टीवेटेड लैंड प्रिपेयर कर देनी चाहिए, यानी फॉरेस्टेबल लैंड और एग्रीकल्चरेबल लैंड को बना देना चाहिए, ताकि उनकी जो एग्रीकल्चर है वो एक्सपेंड हो चुके, और वो हो से किस में कन्वर्ट हो जाए, प्लव में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे ही सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपेंड होने लगी तो कन्फ्लिक्ट होने लग गए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट
हिल फोक के बारे में सोच नहीं रही थी, तो कन्फ्लिक्ट हो गए थे हिल फोक और ऑफिशियल्स के बीच में, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया था, फोर्स करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से जो पहाड़ीज थे वो इनसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ने लग गए थे। एक टाइम पीरियड आया था 1770s का, जब ब्रिटिशर्स ने एक क्या किया था, यानी दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ गए थे, ब्रिटिश भी चिढ़ गए थे और हिल फोक भी चिढ़ गए थे, और चिढ़ने की वजह से ब्रिटिशर्स ने इन्हें मरवाना यानी किलिंग करना शुरू कर दिया था पहाड़ीज को। और तब 1780s के टाइम पीरियड में एक बंदा आया था जिसका नाम था, जो खुद भी एक क्या था ब्रिटिशर था, जिसका नाम था अगस्तस क्लीवलैंड। इसने एक पैसिफिकेशन पॉलिसी बनाई थी। क्या बनाई थी, पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन, यानी ये इन दोनों पार्टी में सेटलमेंट करवाना चाहता था। तो उसने ये कहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हिल फोक को एवरी ईयर कुछ अलाउंसेस देंगे, यानी एनुअल अलाउंसेस दिया करेंगे, जिससे वो अपना इजीली सर्वाइवल जो है कर सकते हैं। तो हिल चीफ जो थे, कुछ हिल चीफ जो थे उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, और कुछ हिल्स चीफ जो थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था उनकी जो ट्राइब थी वो उन हिल चीफ से सेपरेट हो गई थी, यानी उनके खिलाफ हो गई थी। तो उन्होंने कहा था कि हम किसी भी गवर्नमेंट के या किसी भी ब्रिटिशर के सैलरीड एम्प्लॉयज़ बनकर नहीं रहेंगे, स्टिपेंड्री नहीं बनकर रहेंगे, हम अपनी लाइफ फ्रीडमली सर्वाइव करेंगे जैसे हम करते आ रहे थे। तो उस वजह से क्या हुआ था, जो पहाड़ीज़ थे वो अपना एरिया छोड़कर कहाँ शिफ्ट होने लग गए थे, डीप माउंटेन्स में जाकर रहने लग गए थे, और उन्होंने वहीं अपना हो एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कंटिन्यू रखा था। और ये जो टाइम पीरियड था डैट इज़ फ्रॉम 1810 टू 1811 का टाइम पीरियड था। तो एक टाइम ऐसा आया कि जो बुचानन थे 1810 और 1811 में, वो इस माउंटेन एरिया में विजिट करते हैं, यानी इस माउंटेन एरिया में अब कौन विजिट कर गए, बुचानन विजिट कर गए, क्योंकि ये एक वाइट मैन थे यानी ब्रिटिश ऑफिशियल थे, और पहाड़ीज़ ने पहले ही ब्रिटिशर्स के क्रूअल नेचर को देखा हुआ था, जिनकी वजह से उन्हें अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह आना पड़ा था। तो बुचानन को उन्होंने एज अ होस्टाइल, यानी होस्टाइल की तरह देखा, काफ़ी ज़्यादा अप्रहेंसिव हो गए थे। अब हमें इस बात का आंसर मिल गया जो हमने क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था, कि क्यों वो लोग जो थे बुचानन को देखकर अप्रहेंसिव फील हो गए थे, फील करने लग गए थे। तो हमारे पास यही रहा आंसर आएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो उनके खिलाफ हो गई थी पहाड़ीज़ के, उन्होंने उनके फॉरेस्ट क्लियर करने लग गए थे, और वो चाहते थे कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को सेटल एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया जाए, हो को छोड़कर प्ल का यूज़ किया जाए, जिसकी वजह से जो पहाड़ीज़ थे उन्होंने अपना एरिया छोड़ दिया था। और जो बुचानन थे वो भी एक ब्रिटिशर थे, जिस वजह से पहाड़ीज़ जो थे वो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें अभी इस टॉपिक में मिल गया। और दूसरा हमारा क्वेश्चन था हिल्स फोक। हिल्स फोक हम जान ही चुके हैं कि कौन थे, पहाड़ीज़ को कहा जाता था जिनका सर्वाइवल, और हमने देख लिया कि रहने सहने का तरीका क्या था। तो जो पहाड़ीज़ थे वो डीप माउंटेन्स में आ गए थे, और उन्होंने हो एग्रीकल्चर वहीं कंटिन्यू करी। 1810 और 11 के टाइम पीरियड में जो बुचानन थे वो फिर से वहाँ पे विज़िट करते हैं, जिस वजह से जो पहाड़ीज़ थे वो उनसे चिढ़ जाते थे, क्योंकि पहाड़ीज़ की जो ऐसी हालत है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ही हुई थी, क्योंकि उन्हें अपनी लैंड छोड़कर आना पड़ा था। ब्रिटिश ने फोर्स किया था कि वो अपनी हो एग्रीकल्चर को छोड़ के प्लो एग्रीकल्चर करें, यानी वो अपनी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को छोड़ के सेटल एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दें, और या फिर वो अलाउंसेस लेना लग जाएं, जिससे उन्होंने सारी बातों को डिनाई किया और अपनी जगह को छोड़कर नई जगह पर रहने लग गए थे। तो बुचानन भी क्या थे, एक ब्रिटिशर थे, जिसकी वजह से उनके जो चिढ़ थी या उनके जो एनजाइटी थी वो बुचानन के लिए भी थी।
और फिर कुछ टाइम के बाद एक और नई ट्राइड का अपीयरेंस हुआ संथाल्स का, जो लोअर हिल्स की तरफ थे। उन्होंने जो एग्रीकल्चर लैंड यूज़ की, यानी फॉरेस्ट को कट करके एग्रीकल्चर लैंड बनाई और प्लो को वहाँ पर यूज़ किया, और उन्होंने जो खेती की दैट इज़ राइस एंड कॉटन की। तो संथाल्स और पहाड़ीज़ की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और ये जो बैटल था हो एंड प्लो का, ये काफ़ी लंबा बैटल रहा। तो आज के टॉपिक में हमने पहाड़ीज़ के बारे में पढ़ा, और साथ साथ हमने ये भी पढ़ा पहाड़ीज़ की लाइफ कैसे थी। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि पहाड़ीज़ की डेली लाइफ या उनका जो लाइफ स्टाइल था वो कैसा था। बहुत इजीली तरीके से हम बता सकते हैं कि वो हो एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किया करते थे। बहुत खुश थे, उनके चीफ हुआ करते थे जो अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन सिर्फ यूनिटी को मेंटेन किया करते थे, और साथ ही साथ वो फॉरेस्ट पे भी डिपेंड करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। और उनकी जो रहने का तरीका था वो हट्स में रहा करते थे, मैंगो शेड यानी मैंगो आम के पेड़ों की छाया के नीचे, या फिर इमली के पेड़ों की छाया के नीचे उनका सर्वाइवल हुआ करता था। और ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर भी अपना रोप जमाना शुरू कर दिया था, जिससे उन्होंने अपनी लैंड छोड़ दी थी। और बुचानन जो थे वो डीप माउंटेन्स में विजिट करते हैं, जिससे वो बुचानन से भी चिढ़ने लग गए थे। फिर संथाल्स अपीयर हुए लोअर हिल्स में, जिन्होंने प्लो एग्रीकल्चर की, राइस और कॉटन की खेती की, और संथाल्स और पहाड़ीज़ के आपस में बिल्कुल नहीं बनते थे, जिसके वजह से उनका जो बैटल है वो काफ़ी लंबे समय तक चला। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो। Otherwise, don't forget to do your work timely. Don't forget to pray for everyone. See you in next video with new topic. Till then, take care. Thank you.